नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। राजस्थान के शाहबाद नगरकोट माताजी मंदिर परिसर में रविवार को राजस्थान आंगनवाड़ी महिला कर्मचारी संघ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त ब्लॉक की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी केंद्र आदि के कर्मियों की विभिन्न मांगों को पूरी किए जाने के लिए संगठन को मजबूत बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। जिला अध्यक्ष मधु भार्गव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोषाध्यक्ष शवाना शेख, तहसील अध्यक्ष ज्योति तोमर, सेक्टर प्रभारी गिरिजा शर्मा, महामंत्री कमलेश खत्री, राजेश जादौन, गीता शुक्ला आदि सहित अन्य कर्मी मौजूद रही। चर्चा के अनुसार 2018 से आंगनवाड़ी केंद्रों पर फ्लैशिंग फंड का भुगतान किए जाने, आंगनवाड़ी सहायिकाओं की मिनी केंद्र सहायिका की बीमा राशि काटी जाती थी, उनकी सेवा समाप्ति पर भुगतान जल्दी से दिलवाया जाए, मानदेय हर महीने की 10 तारीख तक जमा करने, आंगनवाड़ी केंद्रों पर नल बिजली की व्यवस्था के बंदोबस्त, 3 से 6 वर्ष के बच्चों का अवकाश भी 15 मई से 30 जून तक, मेडिकल TADA की सुविधा, सेवानिवृत्त की पश्चात पेंशन दी जाए, अन्य राज्य की भांति 50,000 की राशि दी जाए, ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर आज बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। हम अपनी मांगों को लेके यहाँ शाहबाद की माता रानी नगरकोट वाली मैया पे आज हमने एक मीटिंग रखी है, जिसमें हमारी कुछ समस्याएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की, ऊपर से क्या कहते हैं टाइम से पेमेंट की, दूसरी चीज ये नया वो पोषाहार आया है उसकी, और भी समस्याएं पोषाहार के बारे में, पोषाहार के मतलब पोषाहार का क्या अब बोलो। नमस्कार सर, मेरा नाम है कमलेश खत्री और हम लोग यहाँ सब कार्यकर्ता इकट्ठी हुई हैं, ताकि हम लोगों के ऊपर कोई सरकार का तो कोई वो ही नहीं है, समय पर पेमेंट जमा नहीं होता। अभी इतने टाइम से सिर्फ केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का आ रहा है, केंद्र सरकार का पेमेंट आ ही नहीं रहा। आगे बात करते हैं तो बोला गया है कि जुलाई तक पेमेंट पूरा जमा कर दिया जाएगा। इस तरह से महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि हमारा 21,000 तो मानदेय होना ही चाहिए। 21,000 दुनिया का 48,000 आता है, 50,000 होता है, 70,000 होता है, वो लोग काम नहीं करते इतना जितना हम लोगों से कराया जाता है। हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, ऑफलाइन काम करते हैं, 8 से 12 केंद्र पर रुकते हैं, 12 के बाद 2 बजे तक सर्वे करते हैं, गृह भ्रमण करते हैं, उसके अलावा भी हमें कुछ नहीं मिलता। ऊपर से कभी कोई अधिकारी आ रहा है, कभी कोई अधिकारी आ रहा है, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि हम अबला महिला है, ऐसा नहीं हो सकता। नारी शक्ति जिंदाबाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।